किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया के बसा औकात औलाद के सारे इसबाब मौजूद है औलाद पैदा नहीं होती हज हो गए हैं बाल सफेद हो गए हैं हड्डियों का गुदा खत्म हो गया है लेकिन उस वक्त में अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं बच्चे की बच्चे की दुआ मांग रहे हैं तो आज के अक्लमंद इंसान को यह सवाल करना चाहिए कि यार ये कोई बात है हम अस्सी साल के जब हो जाते बुढ़े हम नहीं अल्लाह से दुआ मांगते या अल्लाह मेरी बीवी को औलाद दे दे सत्तर पचहत्तर की बीवी होगी अस्सी पचासी का मैं हो गया तो कभी किसी ने दुआ की नहीं करते क्यों क्योंकि हम सती लोग हैं क्योंकि हमारी निगाह असबाब पर होती है हम सोचे मैं अस्सी का हो गया बीवी पचहत्तर की हो गई तो है ओलाद का सी हो यहाँ तो डॉक्टर चालीस के बाद ही डरा देते हैं कहिए थर्टी फाइव ओह थर्टी फाइव ओह आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रिस्की अब आपके आगे बच्चा नहीं हो सकता आई और नहीं आई भी कामयाब नहीं होगा आप तो फोर्टी के करीब जा रहे हैं क्योंकि असबाब की दुनिया है असबाब पर गुफ्तगु कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग हाँ यार लगता बस अब अब नहीं होती औलाद लेकिन पैगंबर है तो पैगंबर की निक, को खबर इस बात की कि असबाब काम नहीं करते रब्बुल असबाब काम करता है उसकी निगाह वहां है इसने अपने रब से दुआ कर दी कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे और तुझे पता है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं गूदा ख़त्म हो गया है बीवी बांझ है कि असबाब औलाद के कोई भी नहीं है कि औलाद का फल मुझे मिल सके लेकिन मैं जानता हूँ असबाब के अपने ज़ात में कोई हकीकत नहीं है ऐसा हकीकत तेरे फैसले की है या अल्लाह अपना फैसला औलाद का जारी कर दे मुझे औलाद मिल जाएगी हाथ उठा दिए और फिर यह भी कह दिए वलम अकुम भी दुआ एक रबी शक़िया ए अल्लाह मैंने जब भी तुझसे मांगा खाली हाथ नहीं लौटा जब भी छोली है तूने भर दी है अगर चाहे एक ऐसी चीज़ मांग रहा हूँ मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं और जनाब इस इसका बीवी बाँझ हो गई है सारे इसबाब हालांकि अल्लाह तबारक वालों को नज़र आ रहे थे ना कि बूढ़े बाल हैं हड्डियाँ बूढ़ी बांझ औरत इज़हार क्यों कर रहे हैं यह इजहार एतराफ़ है एतराफ़ है अपनी नातवानी का एतराफ़ है अपनी कमजोरी का और अल्लाह तबारक को अपनी कमजोरी का एतराफ़ बड़ा पसंद है बंदा जब अपनी कमजोरी का एतराफ़ करता है अपनी नातवानी का इकरार करता है या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी हकीकत कुछ नहीं है तू सब कुछ है और तू जर्रे को अगर आफ्ताब बनाना चाहे तो बना सकता है या अल्लाह मैंने हाथ फैलाता हूं इस जर्रे को आफ्ताब बना दे बस जब उधर मंजूरी होती है तो क्या हुआ अल्लाह तबारक वाल खुशखबरी देने की दे दी क्या कैसा हम बेटा देते औलाद देते अब इस पर खुश होने के बजाय हैरान हो गए अच्छा वो कैसी होगी इसका मतलब आपने पहले मांगा था तो उस आप हैरान क्यों नहीं हो रहे थे हैरान है हो गया कि अच्छा कैसे होगा मैं तो बुढा हूं और बीवी मेरी पांच है किस तरह औलाद होगी अब हैरान हो रहे हैं कि जहर है कि पैगम्बर हैं लेकिन जहर के पैगम्बराना शान में भी अल्लाह तबारक व ताला जब अपने करिश्मे दिखाते हैं तो एक दफा को तो बशरी तकाजे के साथ पैगम्बर भी सोचता है होगा कैसे मैं बूढ़ा हूँ और बीवी मेरी बाँज औलाद कैसी होगी एकदम हैरान हो तो अल्लाह तबार का बताल कर फिक्र नहीं करो इसी हाल में होगा तुझे पहले पैदा किया था पैदा कर दिया तुझे पहले कुछ भी नहीं था तू तो अभी जो है अभी भी अल्लाह तबारक वताल के हाथ में तुझे पैदा कर, तेरे बच्चा पैदा कर सकता है चसुर मरीम में सारा किस्सा मौजूद तो कहने का मकसद ये कि इसबाब सारे बस औकात नहीं भी होते लेकिन पैगम्बर की निगाह उस बात पर है कि असल में अल्लाह तबारक वताल करने वाला है रबुल उसबाब वह है जब उससे मांगते हैं तो अल्लाह तबारक वताल अपने फैसले को जब नाजिल कर देते हैं तो उसब ख़ुद मतहरक हो जाते हैं और उसब मजबूर हो जाते हैं वो कुछ करने के लिए जो अल्लाह तबारक वताल चाहता है